रायगढ़ में जग्गी और सोनी नाम के दो मित्र रहते थे। जग्गी और सोनू का बचपन साथ में बीता था और दोनों ही जमींदार की खेती में साथ साथ खेती करते थे। दोनों मित्र अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उनका एक और मित्र डमरू भोजन लेकर आया और दोनों को आवाज लगाई। अरे भाई जग्गी और सोनू, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। दोनों आ गए और खेत में ही जमीन पर बैठ गए। डमरू, तू भी बहुत मदद करता है हमारी। अरे भैया, मैं कछु न करूं भैया, अब तुम हमें सहारो दियो, अब हम इतना तो कर ही सके हैं भैया, बाकी कछु और करने लायक तो है ना। ऐसा नहीं है डमरू, तुम हमारे मित्र हो भाई। हाँ हाँ, लेकिन तुम हमें सहारा दियो, ये तो सची है। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ हंस लो भैया हंस लो, इसीलिए तो हम स्कूल से भाग आए हैं, क्योंकि सब हमारी लंबाई पर हंस रहे हैं। हाँ हाँ, चलो अब तीनों भोजन करते हैं। हाँ भैया, ये हुई ना बात। जग्गी, सोनू और डमरू तीनों भोजन करने लगे। डमरू दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। सोनू यार, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई बात नहीं भैया, तू आराम कर ले। अरे नहीं नहीं नहीं, आराम कैसे कर सकता हूँ। अरे यार, आराम करके तुम हमसे कुछ कहा करो। हाँ डमरू, क्योंकि तू बहुत काम करता है ना, दिन भर चप्पल लेकर इधर से उधर घूमता रहता है और लड़कियों को ताड़ता है। ए भैया, तुम भी कुछ भी कह देते हो। अरे यार, मैं इतना छोटा हूँ, छोरी देख ही ना पाऊँ मैं तो। चल अब जा सोनू भाई, मैं कर लूंगा काम। अरे भाई, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं तो फिर मरना है क्या। लेकिन आज बुआई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पानी भी तो लगाना है। अरे कोई नहीं, मैं तेरे खेत का भी काम कर लूंगा और डमरू मेरी मदद कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मित्र हो तो तेरे जैसे भाई। जग्गी ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और फिर खेत में पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोनू और डमरू दोनों काम पर लग गए। बहुत तेज गर्मी थी, फिर भी दोनों अपने मित्र के लिए काम कर रहे थे। शाम को जग्गी सोनू और डमरू के पास गया और कहा, अरे तुम दोनों ने आज बहुत काम किया है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, मेरे हिस्से के खेत में थोड़ा काम बचा है, मैं ये जरूर करूँगा। तुम दोनों ने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अब तेरे हिस्से का काम कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अब जा भी। जग्गी ने सोनू और डमरू को जबरदस्ती भेज दिया। दोनों पेड़ के नीचे जाकर सो गए। जग्गी अकेले बहुत खुश हो रहा था। अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और ये दोनों सोते हुए मिलेंगे। वाह, मेरी तारीफ होगी और बहुत तारीफ होगी। जग्गी खेत में सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा, तभी थोड़ी देर में वहाँ जमींदार आ गया। जग्गी, तू अकेला काम कर रहा है, और वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों आ रहे हैं। कहाँ गए हैं वो? क्या हुआ, तू मुझसे क्या छुपा रहा है बे? वो दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। वो दोनों सुबह से सोए हुए हैं, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं सोनू का काम खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी सोनू को सबक सिखाता हूँ। तुम अच्छे हो, तुम अपना काम ऐसे ही किया करो, ठीक है? जग्गी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने अपनी गलती को सोनू के ऊपर डाल दिया था। सोनू बहुत ही सीधा साधा था। जमींदार ने सोनू और डमरू को जगाया। जमींदार साहब, आप क्यों वे? तुम काम चोरी कर रहे हो और मैं क्या तुम्हें आकर पकड़ नहीं सकता क्या है? जमींदार साहब, सोते हुए चोरी कैसे कर सकते हैं, आप ही बताइए। आप भी कुछ भी बोलते हो, माना कि हम कभी स्कूल नहीं गए, पर हम सब समझते हैं भैया। ए नींद से बाहर आओ, तुम्हें आज एक पैसा नहीं मिलेगा, और अगर तुमने आगे से भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम्हारे मित्र जग्गी को आज दोहरी दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि उसने सारा काम किया है। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। ये क्या हुआ,
मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ भैया। क्या यही कि जग्गी भैया तुमको फंसा दिए हैं? हाँ, ये जग्गी बचपन से ही ऐसा है, मुझे फंसा देता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब इसके चंगुल में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं फिर दोबारा इसकी बातों में आ ही जाता हूँ। हाँ, लेकिन आगे से मत आइएगा। देखो, वो जग्गी भैया इधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है। जग्गी भी मुस्कुराते हुए आया। अब घर चलते हैं। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? वैसे मैं बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों घर वापस चले गए। एक सुबह जग्गी, सोनू और डमरू तीनों जा रहे थे, तभी रायगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दो सिपाही वहां आए और बोले, यहां सोनू कौन है? अरे हम तो डमरू हैं। सोनू भैया इन दोनों में से कौन से हैं, पूछ लो। हम सिपाही हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो, अभी कैद कर लेंगे। क्षमा क्षमा कीजिए भैया, हमारी जबान फिसल गई, हमें माफ कर दो। जी मैं सोनू हूँ, मुझे बताइए कि क्या हुआ। तुम्हारे पास कोई हीरा है? नहीं नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। अरे सोनू मेरा मित्र है, बहुत ईमानदार है, इसकी जेब में कुछ नहीं मिल सकता। इतना कहकर जग्गी ने सोनू को गले लगा लिया। हमें तलाशी लेनी होगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप सोनू के साथ साथ मेरी तलाशी भी ले सकते हैं, सोनू चोर नहीं है। सिपाही ने सोनू की तलाशी ली और उसकी जेब से हीरा मिल गया। आखिर हमारा संदेह सही था, तू ही चोर है, राज दरबार चल, ये राज खजाने का बहुत कीमती हीरा है और इसके साथ बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात है, वो भी तुम्हारे पास ही होंगे। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये हीरा नहीं चुराया। अच्छा, पकड़े जाने के बाद हर चोर यही कहता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो तुम्हें अपना मित्र कहते हुए शर्म आ रही है, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चोर हो। सिपाहियों ने सोनू की बात नहीं सुनी और उसे पकड़ कर ले गए। डमरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन जग्गी मुस्कुरा रहा था। तुमने वो कहावत सुनी है, जैसी करनी वैसी भरनी? सोनू भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हाँ, हमने एक कहावत और सुनी है, जिसकी टोपी उसके सर। अपनी लंबाई के हिसाब से बात किया कर, ठीक है ना, वरना तुझे भी तेरे सोमू भैया के साथ भेज दूंगा। जग्गी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। डमरू भी अपनी नम आँखें लेकर वहाँ से चला गया। सोनू को राज दरबार में पेश किया गया। राजा विक्रम ने सोनू से कहा, तुम दिखने में पढ़े लिखे और दयालु लगते हो, तुमने चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की। राज्य का बेशकीमती हीरा तुम्हारे पास पाया गया है, अब तुम स्वयं ही बता दो कि तुमने बाकी खजाना कहाँ छुपाया है। मैं सच कहता हूँ कि ये हीरा मैंने नहीं चुराया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसे कैद खाने में डाल दो, ये इसी लायक है। सिपाही सोनू को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से जमींदार जग्गी और डमरू आ गए। आपके कार्य को बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन असली चोर को मैं पकड़ लाया हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम, कौन है असली चोर? जग्गी। क्या, ये कैसे हो सकता है, जग्गी हमारा खबरी है, इसने ही तो सोनू के चोर होने की खबर हमें दी। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन फिर पता चला जग्गी सबको अपनी टोपी पहना देता है। मुझे जग्गी पर पहले से ही शक था, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस पर नजर रख रहा था, मैं कुछ समझा नहीं। पिछले दिनों जग्गी एक धन की पोटली लिए नगर में जौहरी की तलाश कर रहा था, मुझे ये मौका सबसे सही लगा, मैं नकली जौहरी का वेश बनाकर उसके सामने आया। अरे बरखुरदार, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागे जा रहे हो? श्रीमान मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, मैं नगर में किसी जौहरी की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे कुछ धन बेचना है। हे, अरे नेकी और पूछ पूछ, प्यासे के पास कुआ खुद चल कर आया है, मैं भी एक जोहरी हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं भी खरीद सकता हूँ तुम्हारा ये धन। जग्गी ने बहुत सारे हीरे ज्वारा जोहरी को दिखाए। अरे बाप रे, इतना सारा धन तुम्हारे पास, ये सब कहाँ से आया? अरे तुम आम खाओ, गुठली मत गिनो,
लेना है तो लो वरना मैं चला। तभी डमरू भी वहाँ आ गया और जमींदार भी अपने असली रूप में आ गया, जिसे देख जग्गी घबरा गया। अरे जमींदार साहब आप? क्यों, बांडा फोड़ हो गया ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा तो राजा साहब ही देंगे। जमींदार जग्गी को पकड़कर महल की तरफ चल दिया। अच्छा मुझे अब समझ आया, सैनिको सोनू को छोड़ दो और इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो। क्षमा महाराज क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसी की सजा है ये, ले जाओ इसे यहाँ से। सोनू को छोड़ दिया गया। राजा ने सोनू को खुश होकर बहुत सारा धन दिया और उसे राज दरबार में काम भी दिया। सोनू और डमरू ने जमींदार को बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपने घर चले गए और खुशी खुशी रहने लगे।